माँ पे ना बोलना घट कर देंगे साथी ये वो रखते जिहड़ा इन्हां दे लैवल वाला होवे उन्हां दे नाल मिल के नशे दे अडिक्ट होंदे आ। शुरुआत इन्हां दी कित्थों हुंदी आ? शुरुआत इन्हां दी सिगरट तों हुंदी आ। माहरां दे मुताबिक मैं कहिंदा अपने कोलों नहीं, सिगरट पीण तों शुरू हुंदी आ। निशानियां यह हुंदियां इन्हां दीआं, कल्ला रहना, दूर चढ़ जाणा, रात देर तक आउणा ना, बुल्लां दा काले होणा, ये चीज़ां। तीजी गल, माँ पे जिहड़े हैगे आ उह उन्हां वल ध्यान नहीं दे रहे, उसकी गल नहीं सुनते। जे वह करता है तो उन्होंने असं इगनोर कर देंगे, छड़ पर एवं बोलता तू बह जा चल जाने बह जा फलाने कितों आया, इस हिसाब ना नहीं। ये कहते हैं भी जो पहले ही कंट्रोल हो जाए तो एक तो तीन महीने के विचाले विचाले आ कंट्रोल वाले दायरे आ जाता। कई बार असं सोचते हाँ भी इन्हों जो जितने नशा छड़ाऊ सेंटर बंद कर दी, छड़ता उत्थे बिल्ड ही आ, पर उत्थे भी इकलापन वा, वह भी एक जेल की तरह ही आ। उत्थे भी अपने दोस्तों को फोन वगैरह करके तो उत्थे अपना काम जो है कर लेंगे। साढ़े देश के 80% जी नशा करते, नशा ये नहीं भी समैके करते, हैरोइन करते, वक् वक् तरह के नशा, सिगरट तंबाकू बीड़ी तो लैके सारा कुछ बच्चे रहता। ईवन हूँ तो लेटैस चल पाया टीके, जिथे टीके डैथ होंगी, जिथे टीके डैथ होंगी उत्थे दो बंदे आम तौर पर रल जाते हैं। सिर्फ डोज वध भर लेनी आ, एक कहिंदा आ भी तू ना वध ला ली, दूआ कहिंदा मैं ना वध ला लवां, जिन वध ला ली उड़ गया। एक तो टीके वाला हो गया, एक हुण अगे हुंदा सी सूंघदे हुंदे सी हैरोइन नूं, हुण ये टीका भर के नाड़ी च लाउंदे आ। ये जिहड़ा आ नशा करदे आ सिर्फ चंद मिंटां दी जां कुछ घंटियां दी, ये जिहड़ी आ उहदा सिर तों ब्रेन दे उत्तों बोझ लैंदा, चंद मिंटां लई खुश हुंदे आ, मुड़ के मूड उही फेर बण जांदा। वह जिस वेले वह फिर तोट आँदी आ फिर तुर पेंदे आ। जिस वेले सेंटर वाली स्टेज आ जाती आ फिर घरदिआं नाल लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, ट्रंक भन, दरवाजे भन, कितें कुछ कर, वह मजबूर करदे आ भी सानू पैसे दिओ ते असीं जाईए। हुण मन लो इत्थों ही बंदा लड़ झगड़ के पैसे लैके गया, उन्हें लोकल तो लैना नहीं, लोकल ना कमिटमेंट होंगी या ले लैंदा या नहीं भी लैंदा या पर्दा रखता, उन दूर दराडे जिथे कितें बेचते आ उत्थों जाके खरीद, उत्थों पुलिस फड़ लैंदी आ, पुलिस अपना चैनल चला लैंदी आ। फिर माँ पे करते साडा बच्चा तो नशा कर देनी है, ये तो हो ही सकता, ये फलाना नाल गया सा उहदा बेड़ा बैठा, इदां दीआं गल्लां करदे आ। असीं दूषण जिहड़ा दूजे ते छड़दे, असीं अपने ते नहीं लैंदे क्योंकि सानू मैक्सीमम पता ही नहीं है, असी उहदे बारे खोज ही नहीं कीती, असी खोज ही नहीं कीती, उहनू चैक ही नहीं कीता। वह बच्चे नू चैक करन दा कि दो टाइम उहने समां जरूर कढो। इसे तरह यूनीवर्सिटियां दे विच कालजां दे विच असी बच्चे पढ़न लाए भाई हायर एजुकेशन वो जिहड़ी लैण, असी की करदे आ महीने दीआं फीसां प्लस ट्यूशनां प्लस उहनू खाण पीण लई वधिया कपड़े वो मुहैया कराउंदे। जदों कॉलेज में नवा जाता आ होस्टल के पैंदा आ उत्थे उन्हें जिहड़े पुराने हुंदे नशे वाले बंदे वो उन्हें गमराह करते, गमराह इदा नहीं प्रैशर भी पाते, दूजा हुंदा आ उन्हें मखौल करना। जिले इज्जत वाली गल मखौल तो हरेक टलदा, मैं हरेक बार मखौल करता, ये मैं जो दोस्ती कर लवा तो मैं तां भी शायद मैं बच सकां। सानू उधर भी गौर रखने की लोड़ आ, ये नहीं है पिटीशन देती है सानू अपने बच्चे पर यकीन कर लीए, उहदे नाल हर वेले काउंसलिंग करो। साडे विच पहुंचे ने बहुत जी आए और धन्नवाद करदी हां पिंड दी ग्राम पंचायत पिंड दे मोहतवान सारे बीबियां भैणां जो तुसीं पहुंचे हो, अपना कीमती समां कढ के तुसीं साडे विच आए हो, तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं गहराइआं तों मैं धन्नवाद करदी हां। आपां जिस मुद्दे ते आपां अज इत्थे इकट्ठे होए अपने इकट्ठे होण दा मतलब इही आ कि आपां जो तुसीं लिखिआ तुहाडे सामणे हैगा कि आपां नशे नूं नत्त पा सकीए। असी जदों तो सानू परमात्मा ने यह मौका बख्शिया सरपंची विच आए हैं, असी पहले दिन तो ही नशियां नू ठल पाई आ, असी नशियां दे खिलाफ हाँ, खिलाफ हाँ, खिलाफ रहांगे। पर यह आ कि मैं उन्हां बीबियां तो बहुत नाराज़ हाँ जिहड़ियां अंदर वड़ के तो मैनू कहिंदियां आ के भी साडा बच्चा नशे करदा आ ते पर ओह सामने नहीं आना चाहुंदियां हैगियां, ते इस करके मैं उन्हां नू बेनती करदी इहदे विच कोई तुसीं अपनी बेइज्जती ना समझो, कोई कुछ ना समझो, मैं एक लेडीज़ हैगी हाँ, तुसी मैनू अपनी सारी गल जिस तरह दस पाउनी आ, आपां खुल के सामने आईए
कि तुसी मैनू आ के दसो कि मेरा बच्चा नशे करता, आपां नशे छुड़ाने, आपां भर्ती करावांगे, तुहानू दवाई लैके देवांगे, असीं तुहाडे साथ हां, असीं तुहाडा पहलां वी नाल रहे हां, हरेक गल्लां हरेक काम दे विच जे तुहानू कोई साडे ते शिकायत है तुसीं दस सकदे हां, पर इह आ कि असीं नशा जिहड़ा आ पिंड दे विच वेचण नहीं देणा। मैं दो गल्लां ते जोर दिंदा हुंदा, एक नशा, दूजा पानी। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਗਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਹਿਮਾਨ ਦਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਜੀ, ਜੱਬੋਵਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੀ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਨਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜੀ। ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਬਾਂ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਡਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਡਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਆਓ ਜਾਗੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਈਏ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਕੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ।